टुडे समाचार में अपने के स्वागत है हम ज्योति शुरू करी शुक्र दिन थप 3,750 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में शुक्र दिन थप 3,750 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल देशभर कैल गेल 9,598 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,709 आ 5,584 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 1,041 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जननी अछि एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,23,151 पहुँचल अछि तहिना कोरोना के कारण थप 67 गोटे के मृत्यु भेल अछि हाल धरि नेपाल में 8,305 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौनी अछि तहिना थप 5,225 संक्रमित नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 5,20,816 संक्रमित नीक भेल छैक हाल धरि नेपाल में 31,98,702 पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि तऽ 96,952 टा एंटीजेन परीक्षण कयल गेल अछि धनुषा में एकेटा पोखर में डूबि क 5 गोटे बचिया के मृत्यु भेल अछि जिला के मुखिया पति मुसरनिया वार्ड नंबर 6 लक्ष्मीपुर स्थित हुलास यादव के खेत में खुनल नया पोखर में डूबि 5 गोटे बचिया के मृत्यु भेल अछि मृत्यु भेल सब में पलटू यादव के 12 वर्षक पुत्री लक्ष्मीनिया यादव जोगिंदर भगत के 10 वर्षक पुत्री चंदा कुमारी भगत राजगीर पूर्वे के 13 वर्षक पुत्री मंजू पूर्वे जगन्नाथ ठाकुर के 12 वर्षक नातिन चांदनी ठाकुर आ उत्तिम सा तेली के 12 वर्षक पुत्री ललिता शाह तेली रहल धनुषा प्रहरी जननी अछि जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट पौड़ी खेलबाक क्रम में डूबि क ओकर सभक मृत्यु भेल जानकारी देलनि बेपत्ता रहल दू बछिया के खोजी कार्य भ रहल समित पतौलनि जिला प्रहरी कार्यालय सँ प्रहरी नाव उपरीक्षक मकेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में प्रहरी टोली घटनास्थल में रहल राणा भाट बतौलनि जनकपुर धाम में ठनका खसला से दू गोटे बच्चा के अवस्था गंभीर भेल अछि जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 पुल चौक दर्जी मोहल्ला स्थित एक पीपर के गाछ के गाछ में शुक्र दिन ठनका खसला से गाछ के नीचा खेल रहल दू गोटे बालक के अवस्था गंभीर भेल अछि गंभीर भेल सब में ओही एरिया के 14 वर्षक रेहान साफी आ 13 वर्षक मोहम्मद साहिल साफी रहल बताओल गेल अछि घायल सबक जनकपुर धाम के धनुषा अस्पताल में इलाज भ रहल समय साहिल साफी के अवस्था बेसी गंभीर भेलाक बाद हुनका राम जानकी अस्पताल में सरवा कयल गेलनि ठनका खसल समय दुनू बालक गाछ के नीचा खेल रहल बताओल गेल अछि पिछला 24 घंटा में धनुषा में शुक्र दिन 35 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार बृहस्पति दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,434 रहल में शुक्र दिन 35 थप भेल अछि तऽ हाल धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,373 रहल अछि तऽ आइ धनुषा में नीक भेल सब में 95 गोटे रहल तथ्यांक देखौने अछि तहिना आइ धनुषा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौने अछि बृहस्पति दिन 103 गोटे पीसीआर परीक्षण कराने में 35 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख अछि धनुषा में मृत्यु भेल में छिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 रमदैया रहनिहार 24 वर्षक एक महिला रहल अछि तऽ हुनकर राम जानकी मेडिकल कॉलेज में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल जनौल गेल अछि धनुषा में संक्रमित मध्य 1,293 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज कराइब रहल अछि तऽ सामान्य इलाज में रहल संख्या 55 रहल अछि तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 23 रहल अछि तऽ वेंटिलेटर में इलाजरत के संख्या 2 रहल अछि धनुषा में हाल धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल संख्या 96 रहल अछि धनुषा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 39 टा अस्पताल सेवा दैत आयल में जमा बेडक संख्या 632 रहल अछि तहिना आईसीयू के संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर के संख्या 21 रहल प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि कोरोना संक्रमित सबके इलाज बापत जनकपुर धामक निजी अस्पताल सब मनमानी शुल्क असूल कर रहल आरोप निरंतर लगैत आबि रहल अछि या आरोप जनकपुर धाम के प्रतिष्ठित निजी अस्पताल सब मध्ये एक काव्य अस्पताल ऊपर समेत लागल छल अस्पताल निर्धारित शुल्क सब बेसी इलाज खर्च लेने कोरोना संक्रमित रोगी सबके इलाज में लापरवाही केने संक्रमित सब संगे अन्य रोगी के समेत रखने इलाज बाद बिल उपलब्ध नहीं कराने लगातार आरोप सब लागल छल इस संपूर्ण विषय में काव्या अस्पताल प्रशासन शुक्र दिन मुख खोलक अछि
काव्य अस्पतालक संचालक डाक्टर एसके सिंह एक पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कक कोरोना संक्रमित सबक इलाज में अस्पताल कोनो प्रकार के लापरवाही नहीं केने दावी केने छन। ओ कोरोना के दोसर लहर में काव्य अस्पताल 200 से बेसी कोरोना संक्रमित सबके इलाज केने जानकारी देलन। ओ अपन अस्पताल में इलाजक लेल आयल 200 कोरोना संक्रमित मध्य 60 गोटे रोगी के वेंटिलेटर के आवश्यकता पड़ल आ संक्रमित मध्य 10 गोटे के जान के जानकारी देलन। चिकित्सक सिंह कहलन हमर सबक अस्पताल में इलाजक लेल आयल कोरोना संक्रमित सबके इलाज में कोनो प्रकार के लापरवाही नहीं अपनाओल गेल त्या कमे गोटे के मृत्यु भेल। एहि अस्पताल में विश्वासे क क इलाजक लेल रोगी सब आबि रहल अछि। डॉक्टर सिंह अन्य अस्पताल में इलाज संभव नहि भेल सबके सेहो नीक क क घर घुराओल गेल दावी केलनि। बेसी शुल्क लेल गेल आरोप में ओ एहि अस्पताल के बदनाम करबाक हिसाब से झूठ प्रचारबाजी कयल गेल दावी केलनि। डीसीसीएमसी तोकने पैकेज अनुसारे दर रेट में कोविड रोगी के निर्धारित सेवा सब उपलब्ध करावत आयल हुनक दावी छन। ओ बेसी रकम लेने कई आरोप लगाने व्यक्ति सब मध्य 3 गोटे के रकम भुगतानी के बिल भरपाई आ इलाज रिपोर्ट सार्वजनिक करैत ओकरा सब संग हॉस्पिटल तोकल गेल मापदंड भीतर रकम लेने अचीन जान के आधार में छूट समेत केने बतौलन। डॉक्टर सिंह गलत मनसाई से सामाजिक संजाल तथा मीडिया में हॉस्पिटल के बदनाम करबाक जेका बात सब से कोविड रोगी के इलाज कर रहल चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी के मनोबल खसेबाक काज से अपना सबके इलाज कर समेत समस्या है बाक बतौलन। ओतोकल गेल पैकेज में चिकित्सक के राउंड नर्स सब के भत्ता ऑक्सीजन आ वेंटिलेटर लगाई तक अन्य विशेष सुविधा सब हॉस्पिटल से दौड़ल आ एहने सुविधा काठमांडू धरान अथवा विराटनगरक अस्पताल सब उपलब्ध करोला से दैनिक 50,000 से बेसी रकम लड़ रहल में अपन अस्पताल कोना का बेसी रकम लेलक कई प्रति प्रश्न केलथि। 3 वर्षे पूर्व जनकपुर धाम में स्थापना कयल गेल काव्य अस्पताल एहि क्षेत्रक सबसे सुविधा संपन्न अस्पताल रहल संचालक सिंह के दावी छन। धनुषा के मिथिला नगर पालिका स्थित ढलकेवर में युवा सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश जारी करैत नागरिकता वितरण में रोक लगलाक बाद शुक्र दिन ओ सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी युवा सब जन्म सिद्ध नागरिकता भेल संतान के वंशज के आधार में नागरिकता प्रदान कर जन्म सिद्धक संतान के नागरिकता दे गैर नागरिक बनावन नहीं भेटतो देशक असल नागरिक के पहचान कर संविधान संशोधन जल्दी कर लगाए तक नारा सब लगौने छल। ढलकेवर के खाने पानी कार्यालय आगू से निकालल गेल विरोध जुलूस नगर के विभिन्न भागक परिक्रमा करैत शहीद स्मारक पार्क आगू पहुँच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में बजैत स्थानीय इंद्रजीत शाफी संविधान जारी भेल 5 वर्ष बीत चुकलाक बादो जन्म सिद्ध तथा जन्मक आधार में नागरिकता प्राप्त केने हजारों नेपालीक संतान सब एखनो नागरिकता विहीन रहला से निके पीड़ादायी अवस्था से गुजर रहल बतौलन। और नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकला से उच्च शिक्षा हासिल केलाक बादो बेरोजगार भ के बैस पड़ रहल कहित दुख व्यक्त केलथि। सरकार इससे पहिने अध्यादेश मार्फत जन्म सिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता प्रदान करबाक कानून अनलाक बाद खुशियाली में दीपावली मनाने युवा सब सर्वोच्च अदालत के निर्णय से पुनः निराश बनल अछि। नेपाली सेना क्लोथ बैंक नेपाल धनुषा के कोविड 19 विरोध के विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तांतरण के लिए अछि। एक कार्यक्रम के बीच प्रदेश दू प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज के विशेष उपस्थिति में नेपाली सेना क्लोथ बैंक के मंडी 2 सेटा झूल 2 सेटा मास्क 2 सेटा पैकेट तहिना सैनिटाइजर 200 लीटर डिटेल साबुन 500 पीस आ ऑक्सीमीटर 50 उपलब्ध कराने अछि। नेपाली सेनाक समारोह श्रोदृश्य महाशाखाक प्राम सेनानी ईश्वर कुमार श्रेष्ठ शहीद सेनाक जनकपुर धाम स्थित गणक प्रमुख सब के समेत उपस्थिति में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज बैंक के अध्यक्ष राजीव झा के ओ सर सम्मान सब हस्तांतरण केलथि। ओहि अवसर में प्रदेश दू प्रमुख नेपाली सेना देश में आयल विभिन्न संकट आ कालखंड में समाज देश आ जनता के हक में सदैव तत्पर रहल कहित परोपकारी काज के प्रशंसा केने छन। बहुत प्रष्ट रूपबाट नेपालीहरूको भूमि भावना र भविष्यको लागि सधैँ सहकार्यमा सँगसँगै छ। नेपाली सेनाले जुन यो कोभिड उन्नाइसको पीडितहरूको हकमा र जनकपुरमा रहेका अरू क्लोथ ब्याङ्कका साथीहरूसँगको सहकार्यको सवालमा
जसरी यो काम प्रारम्भ गरिएको छ मलाई विश्वास छ कि यो सम्बन्ध यो सहकार्य यसले थप निरन्तरता पाउनेछ र देशभरिमा जहाँ जहाँ नागरिकलाई समस्या छ नेपाली सेना त्यहाँ त्यहाँ पुगेको अनुभूति मैले गरेको सेनानी श्रेष्ठ नेपाली सेना समाज के जनता में पहुँच लेल क्लोथ बैंक जेहन परोपकारी आ सामाजिक कार्य में क्रियाशील संस्था के सहयोग के बतौलन साझा संपत्ति हो इसको रक्षक अनि जनता को सेवक यहाँ को सदैव सेवा में तलिन रहन्छ इसे कारण संविधानले दिएको प्रदत्त जिम्मेवारी को अतिरिक्त पनि स्थान विशेष को आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप सधैं साथ सहयोग गर्दै आइरहेको छ बाढी पहिरो प्रकृति संरक्षण विपद व्यवस्थापन विकास निर्माण राहत वितरण उतार लगायत कार्यमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ जुन कुरा योभन्दा अगाडि उद्घोषणज्यूले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ नेपाली सेना जनताकै सेवक भएकोले यहाँहरूको राय सुझावलाई अत्यन्तै महत्व साथ ग्रहण गर्ने गर्दछौँ हामीहरू यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यूको निर्देशन अनुसार गत वर्ष हामीले पहिलो पटक पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराई बैंकक अध्यक्ष झा सहयोगक लेल धन्यवाद दैत नेपाली सेना बैंकके कार्य आ क्रियाशीलता के महत्व बुझ्ने कहित आभार व्यक्त केने छलथि आजको बेलामा या कोविडभन्दा पहिले पनि जुन सुकै बेलामा यो देशलाई यो देशमा आपत विपद भएको बेलामा क्लोथ ब्याङ्क नेपाल सबभन्दा पहिले पुगेर आफ्नै आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहै होला यो चाराको चक्रावत तुफान होस् या तपाईँको मलनियाको आग लगी होस् या कोविड प्रथमको बेला देशैमा होम आइसोलेसन सञ्चालन गरी 80 जना डाक्टर साहबहरूको समूह खडा गरेर हामी देशैभरि कोविड पोजिटिभहरूलाई निशुल्क चिकित्सीय सेवा र यो धनुषा जिल्लाभरिमा आवश्यक हुनेलाई निशुल्क औषधि तपाईँको निशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ कार्यक्रममा धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानक प्रमुख नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश दुके पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर शाही र जसपा नेता मनोज चौधरी सहित के सहभागिता रहल छलैन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेपाल नागरिकता पहल संशोधन अध्यादेश 2078 कार्यान्वयनमै रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त केने छन् सँगै ओ अदालतको आदेशके सम्मान गरब बतौलन् शुक्रदिन पार्टी कार्यालय बबरमहलमै नवनियुक्त उद्योग मन्त्री राजकिशोर यादवके बधाई देव आयोजित कार्यक्रममै अध्यक्ष ठाकुर सरकार अन्य अध्यादेश सेहो एक प्रकारके कानूनी भेल बतौलन् अहिसँ पहिने सर्वोच्च अध्यादेश बमोजिम विपरीत नेपाली नागरिकताके प्रमाण पत्रक विषयमै कानूनी जटिलता पैदा हेबाक अवस्था समेत रहबाक भेला छ संघीय संसदसँ विधेयक पारित भ निर्माण भेल एन्छ आवश्यक व्यवस्था मिलायब उपयुक्त हैत ठहरकिने छल अध्यक्ष ठाकुर लम्बा समयसँ नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदमे अड्कैत आयल आ कोनो निर्णय हुब नै सकला समस्या भयावह होइत गेल बतौलन् नागरिकता नै भेलासँ नागरिक सब रोजगार आ उच्च शिक्षा सँ वञ्चित हुब पड़ल कहित ओ नागरिकता सम्बन्धी कानून आगू बढ़ाबै लेल भूमिका खेल पड़बाकमे जोड़ देलनि ओ नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेश के मात्रे नै भ समग्र देश के भेल जिक्र केलनि तहिना ओ संसद विघटन के मुद्दा अदालत में रहल कहित अपना सब सेहो निर्णय के प्रतीक्षा में बैसल बतौलनि जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए सर्वोच्च का ही कहना था लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से तहिना उपप्रधान एवं शहरी विकास मंत्री राजेन्द्र महतो जसपा आपदेशक वैकल्पिक शक्ति भेल कहित एखनुक अवसर के जनता के लेल सदुपयोग कर पड़बाक धारणा रखलन देश आ जनता प्रति समर्पित भ क सब अपन दायित्व पूरा कर पड़बाक बतौलन ई पार्टी के पूरे देश और जनता के प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व अपन धर्म हमरा सबके जे कर्तव्य निर्वाह करे के छे
तो ई बहुत बड़का अवसर हमरा सबके लेल छै, जनता समाजवादी पार्टी के लेल। एहि देश में हमरा सबके एकटा सपना छै, कल्पना छै, एकटा ताकत निर्माण करके छै जनता समाजवादी पार्टी के देश में, एकटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण करके छै। ओहि प्रक्रिया में एहि अभी के सहभागिता ओहिसे बड़ा बल पहुँचा रहल छै और आगामी दिन में इसे। कार्यक्रम में नवनियुक्त उद्योग मंत्री राजकिशोर यादव सरकार में रहकर मधेश लगात अन्य क्षेत्र में रहल जनता के समस्या समाधानक लेल काज करब उल्लेख कलथ। ललितपुर के महालक्ष्मी नगर पालिका पांच स्थित एक टहरा सहितक घर में आग लगी भेला से लाखों के धनमाल जोड़ कर नष्ट भेल। शुक्र दिन बेरिया भेल आग लगी ललितपुर लगात अन्य जिला के दमकल के सहायता से करीब एक घंटा बाद नियंत्रण में लेल गेल छल। महालक्ष्मी नगर पालिका पास भोक्टेश्वर मंदिरक कात में रहल गमला बोक्टी के घर टहरा में आग लागल। पुलिस जननी अछि विद्युत शॉर्ट भ कऽ आग लगी होब सकबाक अनुमान प्रहरी केने अछि। गंडकी प्रदेश में सप्ताह के रस्साकस्सी चल रहल समय दीपक मनांगे के भेट अला पर पकड़ायल पड़ल नेपाली कांग्रेसक नेता गणेश लामा जरिवाना तीर कर छूटल छाक। पोखरा लेक साइड से बृहस्पति दिन पकड़ायल पड़ल लामा सहित तीन गोटे के 3,000 रुपया जरिवाना लक छोड़ल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की जननी अछि हाले प्रदेश सभा में विपक्षी गठबंधनक पक्ष में देखल गेल मनांगे के भेट आयल लामा निषेधाज्ञा उल्लंघनक आरोप में पकड़ायल पड़ल छल। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की लामा के जरिवाना लक छोड़ प्रहरी के अनुमति देने अछि। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग विश्वास के मत ल रहल समय लामा मनांगे के भेट पोखरा आयल छल। बिना कारण लामा के पकड़ल गेल आ सुनियोजित रूप में फसाव लागल कहित नेपाली कांग्रेस विरोध जननी अछि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बस दुर्घटना भेला से 18 गोटे के जान गेल अछि त 42 गोटे घायल भेल अछि। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रदेशक फुजदर शहर नजदीक शुक्र दिन भिनसर बस दुर्घटना भेला से पाकिस्तानी संचार माध्यम ई बात जननी अछि। बस तीव्र गति में भेला के कारण से नियंत्रण गुमाव पहुंचल दुर्घटना भेल सुरक्षा अधिकारी बिलाल अहमद बतौने अछि। दुर्घटना में पैर गंभीर घायल भेल सबके कराची में ल जाओल गेल अछि। दुर्घटना भेल क्षेत्र से कराची धरि के दूरी करीब 350 किलोमीटर रहल अछि। बलोचिस्तान के बाद में धार्मिक अनुष्ठान क चुकलाक बाद बस सिंध प्रदेश में घूरै छल। पाकिस्तान में सड़क दुर्घटना हैब सामान्य भ चुकल अछि। सन 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एक रिपोर्ट में सन 2016 में करीब 27,582 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पैर जान गुमाने उल्लेख केने अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल इतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।